हेलो हाँ नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विकास ताजने। मैं वाशी में प्रैक्टिस करता हूँ और आज वर्ल्ड डायबिटीज डे के ऊपर सेंटोर फार्मास्यूटिकल्स ने जो आईज ऑन डायबिटीज ये कैंपेन चालू किया है, उसके तहत मैं आपको डायबिटीज के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूँगा। जो लोगों के मन में काफी बार शंकाएं आती है, डायबिटीज क्या है, किसे होता है, डायबिटीज से के लक्षण क्या है, डायबिटीज से क्या कॉम्प्लिकेशन होती है और डायबिटीज को कैसे ठीक किया जाए, इन सब पे मैं 2 मिनट के लिए बोलना चाहूँगा। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आपके शरीर में तैयार होने वाला इंसुलिन नाम का पदार्थ, जो शक्कर और मोर टेक्निकल टर्म में कहे जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हर खाद्य पदार्थ में से बाहर निकलते हैं, उसको कैलोरीज में रूपांतर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उस इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या वो इंसुलिन काम करना कम कर देता है। ऐसे समय में शरीर में का जो शक्कर का प्रमाण है वो आपके खून में बढ़ जाता है और इसे डायबिटीज कहा जाता है। ये डायबिटीज किसी को और किसे होगा और कब होगा, इसका कोई मायना नहीं है। और इसमें किसी भी तरह का लक्षण पहले सामने आएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। इसको आपको खुले आँख से, खुले दिमाग से, खुले मन से देखना पड़ता है कि इसके कोई लक्षण हम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो डायबिटीज किस तरह का है? डायबिटीज दो तरह का होता है। इसमें प्रकार एक होता है जिसको कि टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है, जो है कि अर्ली एज में होता है, यंग एज में होता है, जिसमें इंसुलिन नाम का जो पदार्थ है वो बनना कम हो जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है और पेशेंट का शक्कर जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ना चालू हो जाता है, जिसके कारण वो डॉक्टर के संपर्क में आता है। दूसरे टाइप का जो डायबिटीज है उसमें इंसुलिन की मात्रा कम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इंसुलिन का प्रभाव शरीर में कम हो जाता है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज कहा जाता है, और वो ज्यादा करके ओल्ड एज में, मतलब 35-40 के बाद में शुरू होता है। अब हम बात करेंगे कि किसे किसे ये डायबिटीज हो सकता है, किसको रिस्क है।